एक घर में कई कई जोड़े हैं कपड़ों के, खाने का राशन कई कई दिन का पड़ा हुआ है, तो फिर भी कहते हैं जी बच्चा पाँव पे खड़ा होगा तो उसकी शादी करेंगे। ऐसा नहीं है। अगर अल्लाह ताला ने आपको रीज़नेबल दिया है, आप अच्छा मुनासिब खाते पीते हैं, तो आप आराम से शादी कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आपकी एक फैमिली रीजनेबली खाती पीती है और उससे आपके पास कुछ सेविंग भी हो जाती है, लेफ्ट ओवर हो जाता है, तो आप आराम से दूसरी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो अभी आपने बात की है कि यानी कि एक बाप की पसंद की कर लें और बाकी तीन अपने, यानी कि, लेकिन इसके लिए वसाइल की भी तो कोई हद होगी ना इस्लाम में। ऐसे तो नहीं है कि आप चार शादियां कर लें और आप कितने वसाइल ही नहीं है। वसाइल तो का स्टैंडर्ड है, देखें क्या वसाइल वसाइल मुझे बताएं कि आज घर में तो चारों रहेंगे तो साफ जाहिर है, फिर वो नहीं, या तो वो चार रहेंगे या फिर वो मर्द रहेगा, एक बात ही हो सकती है। देखें, रखनी तो अलग है, पर्दा है उनका आपस में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज के भी जो हुजरे मुबारक थे अलग थे, तो आप एक घर में तो रख नहीं सकते, बल्कि पर्दे में उन्हें रखना चाहिए। ये भी ना मुनासिब है ना कि आप एक को ले, एक के साथ आप चले जाएं कमरे में और दूसरी बाहर हो, ये भी देखें कितना नामुनासिब है कि मतलब एक खामखा अजियत देने वाली बात है ना। मुश्किल है अपनी चीज़ को शेयर करना, वैसे भी मटेरियल चीज़ को भी शेयर करना मुश्किल होता है, ये तो फिर शोर होता है, औरत के लिए मुश्किल है। बस इसको मर्द को समझना चाहिए कि थोड़ा इस तरह पर्दे में रखे कि यानी एक अगर मकान या हुजरा इधर है तो दूसरा ज़रा परे हो, कि एक दूसरे को तकलीफ़ ना पहुँचे मर्द के इधर उधर आने जाने से। जब एक की तरफ हो तो जाके दूसरे को बताने की ज़रूरत नहीं है मैंने क्या खाया है और वो अच्छी है फलां, एक दूसरे के सामने बल्कि जिक्र भी ना करें, बस ठीक है। जब औरत को अल्लाह ताला तौफीक दे रहा है आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्ट करने की, शुरू में तो मुश्किल होती है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्ट करने की अल्लाह ताला तौफीक दे रहा है, तो फिर क्या ज़रूरत है उसको टीज़ करने की, एक दूसरे के सामने दूसरे का जिक्र करने की। तो आप जितना इसको अवॉइड करेंगे, पर्दे में रखेंगे, उतना ही आसान होगा उसको करना। तो बाकी ये है कि जो वसाइल की आपने बात की है वो कोई देखें वो स्टैंडर्ड पे है ना। वो अभी मैंने जैसे बात किया, अगर आपको ये चाहिए कि आप का अपना मकान हो ख़रीदा हुआ हर एक के लिए, आपका ये स्टैंडर्ड है कि घर जो है वो उसमें पाँच कमरे होना चाहिए और मेरे पास पाँच गाड़ियाँ हों, चार गाड़ियाँ हों और घर भी DHA में बैरिया में हो, तो कभी मीट नहीं हो सके शायद अक्सर लोगों के लिए, अल्लाह देता भी है बाज़ को। लेकिन जो स्टैंडर्ड है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी के पास एक दिन का राशन मौजूद है और उसने किसी के आगे हाथ फैलाया तो अल्लाह ताला उसके लिए मोहताजी का दरवाज़ा खोल देगा। हुक्मा कौल अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाया, यानी एक दिन का राशन भी है तो मांगना नाजायज़ है। तो इसका मतलब है एक दिन का राशन है ना, फिर अगर आज अल्लाह ने आपको रिज़्क़ दिया है तो मैं तवक्कल अल्लाह फ़ाहुवा हस्बू, अल्लाह का वादा है कि जो अल्लाह पे तवक्कल करेगा अल्लाह ताला उसके लिए ज़रूर पूरा हो जाएगा। तो आप एक दिन दो दिन का राशन अगर आपके पास है तो अल्लाह आइंदा भी देगा, ये भी स्टैंडर्ड है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप एक दिन के राशन पर अगली शादी कर लें, मैं ये नहीं कहता, कर भी सकते हैं लोग अल्लाह ताला उनको जिनको जितने लेवल का ईमान दें। लेकिन अगर नॉर्मली बात करें तो आज के दौर में देखें क्या है, मुझे बता दें जो अल्लाह ना करे बिल्कुल ही कोई सर्वेंट्स हैं या बिल्कुल ही कोई इस तरह की जॉब है, कोई स्वीपिंग या कोई अल्लाह ना करे इस तरह को अल्लाह ताला ने जिन लोगों को मतलब जिनकी इस तरह से मामला है वो भी बाइज्जत लोग हैं, वो भी अगर मुसलमान हैं तो मतलब हमारे भाई हैं बहनें हैं, लेकिन उनके आप हाँ तो आप कह सकते हैं उनको ज़रूरत है, अगले खाने का सोचते होंगे फलां है, लेकिन मोस्टली ऐसा है आजकल जो मिडिल क्लास या इवन लोअर मिडिल क्लास भी जिसको हम समझते हैं, एक घर में कई कई जोड़े हैं कपड़ों के, खाने का राशन कई कई दिन का पड़ा हुआ है, तो फिर भी कहते हैं जी बच्चा पाँव पे खड़ा होगा तो उसकी शादी करेंगे। ऐसा नहीं है। अगर अल्लाह ताला ने आपको रीज़नेबल दिया है, आप अच्छा मुनासिब खाते पीते हैं, तो आप आराम से शादी कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आपकी एक फैमिली रीज़नेबली खाती पीती है और उससे आपके पास कुछ सेविंग भी हो जाती है, लेफ़्ट ओवर हो जाता है, तो आप आराम से दूसरी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्लाह ताला रिज़्क़ देने वाला है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ बिल्कुल ही आप ऐसा कर दें कि बिल्कुल जॉब भी ना हो, बिज़नेस भी ना हो और बिल्कुल मुश्किल हालात हो और उसमें आप कोई ऐसा काम करें तो तकलीफ़ होगी आपके बीवी बच्चों को। कुल हुक्म राइन व कुल हुक्म मसूल इन अनिल रैया, कि अगर आपका हम में से हर कोई जो है ना वो उसकी एक रियाया है और उससे उस रियाया के बारे में सवाल किया जाएगा, तो हमारी भी सबसे पहले रियाया हमारे आले खाना है, तो उनकी ज़रूरियात को तरीके जिसको कहते हैं कि मुनासिब तरीके से आप उनको पूरा करें।
तो मोर देन अनफ। लेकिन ये भी नहीं है कि अब उनकी रिक्वायरमेंट बना दी आपने कि बस हर वक्त फास्ट फूड खानी है, बाहर का खाना है, फाइव स्टार होटलों में ठहरना है, गाड़ी में ट्रैवल करना है और महंगे स्कूलों में पढ़ना है, तो उसको मीट करने के चक्रों में आप वो नहीं, एक नॉर्मल म्याना रवि कर, ना बहुत कम हो ना बहुत ही ज़्यादा तयुश की तरफ हो, दरमियाना मामला हो। और अगर आपसे उससे कुछ अल्लाह ताला ने बरकत दी हुई है और सूरत नज़र आ रही है तो, और अगर आप यानी कि मोस्टली होता भी ऐसे ही है, तो एक बीवी जो जैसे मैंने उस दिन भी बात की है कि मतलब एक